अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्थ टिप्स। कई बार आपने ये गौर किया होगा कि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने प्रोफाइल पिक्स को नहीं लगाते हैं, और अगर प्रोफाइल पिक्स लगाते भी हैं तो उनकी ओरिजिनल नहीं होती है, या फिर वो किसी सिंडी को लगाते हैं या फिर अदर चीज़ें वो प्रोफाइल पर लगाते हैं। और कई बार जब आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे सिक्योरिटी रीज़न को देखते हुए उनको नहीं पता है कि उनकी प्रोफाइल पिक्स कौन डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद उसको कहाँ यूज़ कर देगा, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं ब्रीच होती है, जिसकी वजह से वो नहीं लगाते हैं। अब ऑनलाइन सेफ्टी फीचर को देखते हुए फेसबुक ने क्या किया है, फेसबुक ने लॉन्च किया है प्रोफाइल पिक्स गार्ड नाम से एक ऑप्शन, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोफाइल पिक्स को सिक्योर कर सकते हैं। और ये क्यों किया गया, क्योंकि इंडिया के अंदर खासतौर से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया और सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भी फीडबैक दिया, उसके बाद फेसबुक ने ये कदम उठाया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर गार्ड है क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है और इसको आप अपने फोन में या फिर लैपटॉप पे किस तरीके से इनेबल करेंगे, आइए जानते हैं। अब जिन लोगों को ये सारी की सारी डिटेल नहीं सुननी है वो लास्ट में जाके मेरे वीडियो के ये देख सकते हैं कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में जाके किस तरीके से अपने फेसबुक पिक्चर को गार्ड कर सकते हैं, या मैं कहूँ लॉक कर सकते हैं। अगर आप मेरे एक नए व्यूवर हैं अभी तक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहली चीज की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर गार्ड है क्या, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो एक तरीके का गार्ड है, सेफ्टी गार्ड है, जो आपको बचाता है ऑनलाइन प्रिवेंशन से कि कोई भी आपकी पिक्चर को शेयर नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी पिक्चर को टैग नहीं कर सकता है, और अगर वो किसी को सेंड भी करना चाहता है तो तब भी नहीं कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अब ये किस तरीके से वर्क करता है, आइए उसकी भी थ्योरी जान लेते हैं। ये वर्क करता है तीन फेजों में। जो पहला फेज है, कोई भी आपकी पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता, टैग नहीं कर सकता, या किसी को भी वो भेज नहीं सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी आदमी आपके प्रोफाइल पिक्चर को जो है वो टैग नहीं कर सकता है, अननोन पर्सन जो भी है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर को टैग बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो किसी को भेज नहीं पाएगा खुद से अगर वो चाहेगा तो। और जब आपका ये सेफ गार्ड ऑन होता है तो आपके प्रोफाइल पिक्चर पे एक ब्लू कलर का फ्रेम दिखाई पड़ता है जिसमें एक शील्ड बनी होती है, और जिसका मतलब यही है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेफ है, मतलब सेफ गार्ड में इनेबल हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रोफाइल पिक्चर गार्ड को कैसे आप इनेबल करेंगे, तो आइए अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं अपना फेसबुक और यहां पे मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं। आप देखेंगे कि मेरी यहां पे सबसे पहले प्रोफाइल दिखाई पड़ेगी, और जो प्रोफाइल पे पिक्स है आप देखेंगे यहां पे कोई गार्ड का ऑप्शन नहीं है, यहां पे कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही है जिससे ये दिखाई पड़े या समझ में आए कि ये हमारी प्रोफाइल पिक्स यहां पे प्रोटेक्टेड है। अब जैसे ही अगर मैं अपने प्रोफाइल पिक्स पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, ऐड फ्रेम, टेक अ न्यू फोटो, सिलेक्ट वीडियो प्रोफाइल, एक ऑप्शन नीचे दिखाई पड़ता है सेकंड नंबर पे, वो है टर्न ऑन प्रोफाइल पिक्चर गार्ड, मुझे करना है इस पे क्लिक। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आपसे देखिए यहाँ पे कहता क्या है, आप सबसे पहले टॉप साइड पे देखिए, टॉप साइड पे रिंग के अंदर जो मेरी प्रोफाइल पिक्स है उसमें एक गार्ड का ऑप्शन, एक आइकन दिखाई पड़ रहा है शील्ड के नाम, अगर मैं बात करूँ जनरली हम इसको शील्ड ही कहेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें, क्या क्या बता रहा है, बता रहा है कि अदर पीपल कांट डाउनलोड और शेयर प्रोफाइल पिक्चर, वनली यू एंड योर फेसबुक फ्रेंड कैन टैग द प्रोफाइल पिक्चर, द शील्ड सिग्नल दैट अदर पीपल शुड रिस्पेक्ट योर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे ये चीज़ है। अब अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ क्या होगा, यू कैन ऑलवेज टर्न प्रोफाइल पिक्चर गार्ड ऑफ ऑन योर पिक्चर, मतलब आपके ऊपर है, अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑफ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, एनी वन कैन सी द प्रोफाइल पिक्चर, द गार्ड हेल्प्स कीप करेंट प्रोफाइल पिक्चर प्रोटेक्ट, सेफ पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं पहले से अब में क्या फर्क आया है कि मेरी प्रोफाइल पिक्स में अब क्या हुआ है कि यहाँ पे गार्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ने लगा है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टर्न ऑफ का फीचर है, अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैंने आपको इसमें बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल पिक्स को जो आप
यहाँ पे कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उससे फायदा क्या है वो भी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये है मेरा पेज टेकी हेल्प टिप्स फेसबुक पे। अगर आपने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट, बहुत सारी नोटिफिकेशन यहाँ भी आपको मिलती रहेगी और बहुत सारी चीजों के बारे में मैं अपडेट करता रहता हूँ। अभी आपको मैंने मोबाइल में वो चीज करके दिखाई कि मोबाइल में किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट कर दिया था, अब यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर पे अपनी प्रोफाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले मैं यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ अपनी प्रोफाइल से। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एडिट का भी ऑप्शन दिख रहा है। मैं जाता हूँ व्यू एज प्रोफाइल पे। अब जब व्यू एज प्रोफाइल पे करता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी अफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं अपनी पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल पिक्चर क्लिक हो जाएगी। अब बात ये आती है, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ये सेफ गार्ड है या प्रोटेक्ट करता है, पहली चीज़ तो ये है कि ये यहाँ पे प्रोफाइल पिक्स आपकी ओपन नहीं हो रही, मतलब कंप्लीट नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मैं फ्रेंड नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, सपोज तो मैं स्क्रीनशॉट तो ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी गार्ड आ जाएगा, गार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये 100% तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, स्क्रीनशॉट तो कोई भी ले सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि 75% तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। आपकी प्रोफाइल पिक्स इस तरीके से दिखेगी कि वो आपका कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है, कोई किसी को शेयर नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सेम चीज़ अगर मैं दूसरी जगह ओपन करता हूँ जहाँ पर मैं लॉग इन भी नहीं हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ लॉगिन मांग ले रहा है, मतलब ये प्रोफाइल मेरी जो भी पिक्चर है वो मेरी दिख सकती है, लेकिन ये पिक्चर मुझे कभी भी दिखेगी नहीं। तो ये है फीचर कि किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को आप लॉक कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर आप अपनी पूरी प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, मैं उसको बताने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को भी लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल से कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, आपके आपके प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन को जो अननोन पर्सन है वो उसको ना देख पाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि उन लोगों को पता चले जो लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं और अपने प्रोफाइल पे वो प्रोफाइल पिक्स नहीं लगाते हैं फेसबुक पे, ताकि अब वो लगा सकें। 1, 2, 3 इनमें से कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको जरूर देखें और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाएं।